नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। आज 4 जनवरी है। साल के पहले महीने का ये चौथा दिन इतिहास में अपनी एक खास जगह रखता है। आज के दिन देश दुनिया में कई ऐसी घटनाएं हुई थी जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, तो आइए नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। म्यांमार दक्षिण एशिया का एक देश है। इसका पुराना अंग्रेजी नाम बर्मा था, जो यहाँ के सर्वाधिक मात्रा में आबाद जाति बर्मी के नाम पर रखा गया था। म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश है और विश्व का 40वां सबसे बड़ा देश है। आज ही के दिन 4 जनवरी साल 1948 को म्यांमार ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता की घोषणा की थी। अपने अभिनय के जरिए लोगों के दिलों पर राज करने वाली अभिनेत्री निरूपा रॉय का आज यानी कि 4 जनवरी को जन्मदिन है। यही निरूपा रॉय को बॉलीवुड की उस अभिनेत्री के तौर पर भी याद किया जाता है जिन्होंने इंडस्ट्री में मां के रूप में अपनी पहचान बनाई। निरूपा रॉय ने अपने करियर में जितनी भी फिल्में की उसमें वो अधिकतर मां के किरदार को निभाती हुई नजर आईं। राहुल देव बर्मन, जिन्हें आरडी बर्मन के नाम से जाना जाता है, 60 के दशक की शुरुआत से 90 के दशक के दौरान एक प्रसिद्ध बॉलीवुड संगीत निर्देशक थे। इन्हें एक अनबीट पश्चिमी संगीत की शुरुआत करने के लिए जाना जाता था। आज भी उनका संगीत उतना ही मशहूर है जितना पहले हुआ करता था। आज ही के दिन 4 जनवरी साल 1994 को राहुल देव बर्मन का निधन हुआ। भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर इरफान पठान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से आज ही के दिन 4 जनवरी साल 2020 में संन्यास लेने की घोषणा की थी। इरफान पठान नीली जर्सी में भारत के लिए खेलते हुए आखिरी बार 2 अक्टूबर 2012 में दिखे थे। इस फैसले के बाद उनके 16 साल के अंतर्राष्ट्रीय करियर का समापन हो गया था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।